इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं व्हाट इज ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन। तो यहाँ पर हम समझने के लिए ऐसा मानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, और वो जैसे ही किसी मीडियम से पास होता है, फॉर एग्जाम्पल गैस की बात कर लेते हैं, जब वो मीडियम से पास होता है तो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, उनसे कोलाइड करने के बाद में, टक्कर करने के बाद में अपनी एनर्जी को लूज करता है। और जैसे ही एनर्जी लूज होती है तो या तो गैस ये आयोनाइज्ड होती है या फिर यहाँ से रेडिएशन निकलता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कम होती है, यानी कि ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, या तो आयोनाइज्ड हो जाते हैं या फिर यहाँ से रेडिएशन निकलता है। तो ऐसा मान लेते हैं कोई टारगेट है ये, और ये टारगेट ऐसा मान लेते हैं मेटल का है। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इससे आकर के कोलाइड करता है तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही इससे टक्कर करता है तो या तो ये इस मटेरियल से एब्जर्ब कर लिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है, या फिर इससे कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ऑलवेज रिमेम्बर, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस टारगेट से या मेटल से आकर के टक्कर करता है, कोलाइड करता है, तब यहाँ पर क्या होता है, या तो ये मेटल इसको एब्जर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, या फिर इससे एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन है और वो एक्सरे है, तो यहाँ पर देखेंगे इसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन। ऑलवेज रिमेम्बर, एक्सरेस को ही हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन। अब बात यह है, इसकी जो एनर्जी कम हुई थी यहाँ पर आने के बाद में, या तो एनर्जी इसकी स्लो हो गई थी, उसी को हम बोलते हैं ब्रेन स्ट्रॉलिंग। और ये एनर्जी की जो कम होने की रेट होती है इस इलेक्ट्रॉन की, काइनेटिक एनर्जी की, वो होती है डी अपॉन डी एक्स। डी यहाँ पर है एनर्जी का रेट, यानी कि इसकी एनर्जी अगर ई है तो डी ई डी एक्स टाइम में जो कम होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर जो ये मेटल या यहाँ पर जो सब्सटेंस रखा हुआ है उसके एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के, और दूसरी होती है इसकी खुद की एनर्जी के, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का जो कम होने का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर ऑफ दिस मटेरियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इतने रेट से एनर्जी कम होती जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं आयोनाइजेशन के केस में एनर्जी, तब यहाँ पर ये होती है डी अपॉन डी एक्स माइनस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड ई। यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम को आयोनाइज करता है तो जब उसकी एनर्जी कम होने का जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है खुद की एनर्जी ई और एटॉमिक नंबर ऑफ द मटेरियल। लेकिन जब वो एक्सरेज प्रोड्यूस करता है और खुद यहाँ पर आकर के वो अपनी एनर्जी को लॉस करता है, तब उसकी एनर्जी कम होने का रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जेड स्क्वायर, और यहाँ पर ई होती है खुद की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। तो ये किस रेट से कम होता है इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, दैट इज नोन एज ब्रेन स्ट्रॉलिंग। और इसमें जो रेडिएशन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसी को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन। ब्रेन स्ट्रॉलिंग का मीन होता है मॉडरेट करना या मंदन कर देना, रोक देना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में कमी आना। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास में 1 MeV से ज्यादा एनर्जी होती है तभी यहाँ पर एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं, अदरवाइज नहीं होंगी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी, और जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही इंटेंसिटी एक्सरेस की इंक्रीज होती जाएगी। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन है वो होता है एक्सरे, और एक्सरे जो डिपेंड करती है वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम है तो उस सिचुएशन में एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होती। तो दोस्तों इस तरीके से हमने समझा ब्रेन स्ट्रॉलिंग रेडिएशन क्या होता है और ब्रेन स्ट्रॉलिंग हम किसे कहते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तब लाइक कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आया हो तो प्लीज डिसलाइक करना मत भूलना, और कमेंट करके सजेस्ट भी करना।